गया कि कम से कम आप 150-200 शब्दों का लेख एक शब्द में समेट कर रख सकते हैं। क्यों? कूपमंडू की भावनाएं या उस मेंढक की भावनाएं या मेंढक का वो संक्षिप्त जीवन आप एक शब्द में रख सकते हैं, कूपमंडू। इतने का तो ये कला में व्याकरण की भी आवश्यकता पड़ी, आपके अंदर निहित विचारों को उनकी आवश्यकता पड़ती है और वो विचार व्याकरणिक दृष्टि से कितने तथ्यात्मक हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है, और दूसरी चीज आपके मस्तिष्क में विषय वस्तु के प्रति कितनी समीक्षा आती है इसका भी कौशल सामने आता है, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके अंदर विचार नहीं आएंगे तो आप कितना लिख सकते हैं? कर ले सकते हैं अपने अंदर के उठे विचारों को लिपिबद्ध करना, यही करते हो ना मेंस में। अब प्रश्नों की श्रेणी क्या होती है? अवबोधात्मक, तथ्यात्मक, कुछ इस तरह के होते हैं। तो आपको व्याकरण की कुछ चीजें पढ़नी होगी। चालू करते हैं। हमारे ख्याल से जब आप लिखते हो ना तो
आपके मन ही मन आप अपने लिए बोलना चालू कर देते हैं। बोलो, जो नहीं बोल पाता उसके हाथ रुक जाती है मन ही मन।